केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि, आपके भारत में आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर आते हैं आज के किसी खास खबर पर। साहिबगंज जिला अंतर्गत राजमहल थाना क्षेत्र के नौगच्छी नवाब डेड़ी गांव में बीते दिन रात्रि करीब 12 बजे अचानक जेल में बंद दुष्कर्म करने के आरोपितों के दर्जनों लोगों द्वारा पीड़िता के घर पर दहशत फैलाने के उद्देश्य से ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। घर के दरवाजे पर 2 राउंड गोली चलाते हुए मुकदमा वापसी के लिए दबाव डाला गया। यहां तक कि उक्त घटना को अंजाम दे रखे लोगों द्वारा गोली बंदूक के जोर पर जान से मारने की धमकी देते हुए केस कंप्रोमाइज करने की बात कही गई। इस घटना के बाद पूरा परिवार दहशत में है। सूचना मिलते कि राजमहल थाना प्रभारी अपने दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर 3 खोखे बरामद किए। इधर क्षेत्रवासियों ने मामले की जानकारी भाजपा राजमहल विधायक अनंत कुमार ओझा को दी। मामले को सुनकर विधायक अनंत कुमार ओझा राजमहल क्षेत्र अंतर्गत नवाब डेड़ी गाँव पहुँचे। पीड़ित परिवार के परिजनों से मिलकर घटना से रूबरू होते हुए जिला प्रशासन से परिजन के घर सुरक्षा की व्यवस्था देने की बात कही है। राजमहल से संदीप कुमार के साथ आनंद भगत की रिपोर्ट। की मार्मिक घटना, यह अपराधियों के ऊंचे मनोबल को दर्शाता है कि किस प्रकार से पीड़ित परिवारों को धमकी देने का काम किया गया है, किस प्रकार से भय आतंक पैदा करने का काम किया गया है। और स्थानीय पुलिस प्रशासन से हमने पहले भी कहा था, जब तक इस मामले का स्पीडी ट्रायल नहीं होता है तब तक इस परिवार को पूरी सुरक्षा मुहैया कराया जाए। हम यहाँ के साहिबगंज जिला के SP और सभी प्रशासनिक अधिकारियों से हमारा मांग है कि कम से कम इस पूरे मामले में जब तक अंतिम निष्पादन नहीं हो जाता है तब तक उस परिवार को सुरक्षा मुहैया कराया जाए, पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपया मुआवजा दिया जाए। और साथ ही साथ उससे भी बड़ा विषय है कि जिन लोगों ने इस प्रकार के भय और दहशत फैला करके समाज की आपसी भाईचारा को तोड़ने का काम किए हैं, ऐसे सफ़ेद पोश चेहरे किसके संरक्षण में इस प्रकार के आपराधिक कृत्य कर रहे हैं। हम मांग करेंगे यहाँ के पुलिस प्रशासन से कि पुलिस प्रशासन ऐसे लोगों को चिन्हित करे कि किन सफ़ेद पोशों के सह पर इस प्रकार के आपराधिक कृत्य और इस इलाके की शांति व्यवस्था को भंग करने का प्रयास चल रहा है, यहाँ के सामाजिक ताना बाना को तोड़ने का प्रयत्न चल रहा है। निश्चित रूप से ऐसे जो छूटे हुए अपराधी है, मुझे जो जानकारी मिली है कि 2 अभियुक्त शायद गिरफ्तार हुए हैं घटना में शामिल, और शेष जो अभियुक्त हैं उन अभियुक्तों को भी प्रशासन गिरफ्तार करे और गिरफ्तार करके पूरी जांच करे कि आखिर किसके सह पर इस प्रकार की घटना को अंजाम देने का काम किया गया है।